नमस्कार मोदी जी। नमस्ते, आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। मोदी जी, हम सबको मालूम है आप कितने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा समय आपका चुराया है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के विषय में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है, लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है, रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा, तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मेरी कहानी नहीं है। पर जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है, रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले, तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बन करके रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है।
ये जो व्यक्ति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं जब ऐसी जगह में आप होते हैं, या आपको स्वयं को देखते हैं कि मैं एक सफ़र कर चुका हूँ, या वो एक रस हो जाता है, सब मिल जाता है और एक ही व्यक्ति रह जाता है? ऐसा है, मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ। और मैं तो आदि शंकर के उस अद्वैत के सिद्धांत को किसी जमाने में उससे जुड़ा हुआ था, तो मैं जानता हूँ कि जहाँ मैं नहीं तू ही तू है। जहाँ द्वय नहीं है वहाँ द्वंद नहीं है, और इसलिए जहाँ द्वैत नहीं है, और इसलिए अगर मैं मेरे भीतर के उस नरेंद्र मोदी को लेकर के जाता हूँ, तो शायद मैं देश के साथ अन्याय कर दूंगा। देश के साथ न्याय तब होता है कि मुझे अपने आप को भुला देना होता है, अपने आप को मिटा देना होता है, स्वयं को खप जाना होता है, और तब जाकर के वो पौधा खिलता है। बीज भी तो आखिर खप ही जाता है जो वटवृक्ष को पनपाता है। और इसलिए आपने जो कहा वो मैं अलग तरीके से देखता हूँ। जी जी जी। लेकिन जब देश की बात आती है तो आप उसको बहुत फोकस होकर देखते हैं, और सब लोग आज बदलाव की बात करते हैं। बदलाव पहले सोच में आता है, फिर एक्शन में आता है, फिर एक प्रक्रिया से गुजरता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। पर बदलाव अपने साथ एक चीज और लेकर आता है मोदी जी, अधीरता, आतुरता, बेसब्री, इम्पेशंस। आइए देखते हैं हमारा क्या मतलब है इस वीडियो में। कल तक मैं बेबस था बदलाव के लिए, मानो माँ ने खीर रखी थी चूल्हे पर पकने के लिए, पर थाली में गिरने में सालों गुजर गए। मुझे वो सब बदलना था जिसने मुझे हमेशा कतार में खड़ा रखा। मुझे वो सब बदलना था जिससे मैं कभी किसी को नहीं दिखा। मुझे बांटने वाली, रोकने वाली, हाथ फैलाए रखने वाली, हमेशा निर्भर रखने वाली रीतियों को बदलना था। और आखिरकार बदलाव शुरू हो गया है। पहले मैं 2 कदम चलता था, आज 6 कदम चल रहा हूं। इसलिए आज मैं बेसब्र हूं और तेज रफ्तार के लिए। और तेज सड़कें बनाओ, और जल्दी इंडस्ट्रीज लगाओ, और ज्यादा फसलें उगाओ, और ज्यादा पावर पहुंचाओ। पहले से और ज्यादा काम की भूख है मुझे, पहले से तेज विकास की बेसब्री। हाँ, कल तक बेबस था, पर आज मैं तेज बदलाव के लिए बेसब्र हूं। मैं भारत हूं। मोदी जी, अभी हम सबने देखा, और ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें 2 कदम चलने की आदत थी तो मोदी जी अब हम कई गुना ज़्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री, अभी 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 क्यों नहीं कि इम्पेशंस, इसे कैसे देखते हैं आप?
मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है, वरना तो मैं समझता हूं जिंदगी रुक जाती है। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है। और आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार फोर व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है, वरना एक कालखंड था निराशा की गर्त में हम डूब गए थे। और ऐसा कि चलो छोड़ो यार अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है, चलती है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप में से जो लोग बहुत पहले भारत से निकले होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब अकाल की परिस्थिति पैदा होती थी तो गांव के लोग सरकारी दफ्तर में जाकर के मेमोरेंडम देते थे और क्या मांग करते थे कि इस बार अकाल हो जाए तो हमारे यहाँ मिट्टी खोदने का काम जरूर दीजिए और हम रोड पर मिट्टी डालने का काम करना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ कच्ची सड़क बन जाए। उस समय उतनी ही बेसब्री थी कि जरा एक तो अकाल आ जाए, अपेक्षा करते थे अकाल आ जाए और मिट्टी के गड्ढे खोदने का काम मिल जाए और फिर एक रोड पर मिट्टी डालने का अवसर मिल जाए। आज मेरा अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, जिसके पास सिंगल लेन रोड है तो वो कहता है अरे क्या मुख्यमंत्री जी अब डबल रोड बनाइए ना, डबल बना था अरे साहब अब तो ये क्या है, पैवर रोड होना चाहिए, पैवर रोड होना चाहिए। मुझे बराबर याद है मैं उच्छल निजर गुजरात के एकदम आखिरी छोर के तहसील थे, वहां से कुछ ट्राइबल लोग मुझे एक बार मिलने आए, वो कहते हैं हमें पैवर रोड चाहिए। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे इलाके में कभी स्कूटर भी घूम रहा था, मैं बस में आता था, मैं सालों तक उस जंगलों में काम किया हूँ, तुम्हारे यहाँ तो रोड तो है। बोले साहब रोड तो है लेकिन अब हम केले की खेती करते हैं और केले हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस रोड पर हम जाते हैं तो ट्रक में केले दब जाते हैं, हमारा 20% नुकसान हो जाता है, हमें पेवर रोड चाहिए ताकि हमारे केले को कोई नुकसान न हो। मेरे देश के ट्राइबल के दिल में ये पैदा होना, ये बेसब्री पैदा होना, ये मेरे लिए प्रगति के बीज बोता है जी, और इसलिए मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता हूँ। दूसरा, आपने परिवार में भी देखा होगा, तीन अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं अरे यार जरा देख लो, जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। मैं समझता हूं कि
और ये बात सही है कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है, वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब, और हम जब कर रहे हैं पहले एक दिन में जितने रास्ते बनते थे आज करीब करीब 3 गुना हम बना रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में होता था वो आज 3 गुना होने लगा। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, सोलर एनर्जी लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है क्योंकि भरोसा है जी। तो ऐसा लगता है कि जब पहले रोड उन तक पहुंचती है और जब उन तक रोड पहुंच जाती है तो वो दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये आशाएं एक तरफ आप जगाने की बात करते हैं और इस बेसब्री को आपने बखूबी समझा और उसकी जो पॉजिटिव साइड है कि किस तरह से वो बेसब्री जो है वो द्योतक है आगे बढ़ने की एक भावना का, वो आपने हमें समझाया। मोदी जी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही है, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो इस तरह से आपके मन में घटित होती? मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। जहां तक निराशा का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना पाना बनना होता है तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है, लेकिन जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस संकल्प को लेकर के चलते हैं तो मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। कुछ लोगों को कभी लगता है कि छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है, नियम बेकार है, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर तरीके बेकार है। आपको ऐसे एक सेट ऑफ पर्सन मिलेंगे जो यही बातें बता देंगे। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूँ। मैं कभी कभी कहता था अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। और इसलिए अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे और आखिरकार आपको, मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब ये हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो और
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। मोदी जी, यहाँ पर हम एक सवाल लेना चाहते हैं जो वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। प्रियंका वर्मा जी हैं दिल्ली से, वो उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, देखते हैं। नमस्ते मोदी जी, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली, और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम गवर्नमेंट क्यों चूज करते हैं, ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है। आपने तो सरकार के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी काम पे लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था। थैंक यू। ये जो सवाल पूछ रही हैं कि आप लोग लोगों से लोगों को जोड़ते हैं सरकार के काम के साथ, और चाहे वो गैस सब्सिडी की बात हो, कई चीज़ों में आप एक आप अपेक्षा रखते हैं जनता से, तो ये किस तरह का एक आपका प्रियंका ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और देखिए, आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है, किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आजादी का संघर्ष किसी भी समय किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आजादी की बात चलती रहती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने इस पूरी भावना को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने जन सामान्य को जोड़ा, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कहते थे, अच्छा भाई तुम्हें देश की आजादी चाहिए ना, ऐसा करो तुम झाड़ू लेकर के सफाई करो, देश को आजादी मिलेगी। तुम्हें आजादी चाहिए ना, तुम टीचर हो, अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाओ, देश को आजादी मिलेगी। तुम प्रौढ़ शिक्षा कर सकते हो, करो। तुम खादी का काम कर सकते हो, करो। तुम नौजवानों को मिलाकर के प्रभात फेरी निकाल सकते हो, निकालो। महात्मा गांधी ने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जन सामान्य को उसकी क्षमता के अनुसार काम दे दिया कि तुम रेटियां लेकर के बैठ जाओ, सूत कांतो, देश को आजादी मिल जाएगी। और लोगों को भरोसा होगा, हाँ यार आजादी इससे भी आ सकती है। मैं समझता हूं कि मरने वालों की कमी नहीं थी, देश के लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वो आते थे, शहीद हो जाते थे, फिर कोई नया खड़ा होता था, शहीद हो जाता था। गांधी जी ने एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में कोटि कोटि जनों को खड़ा कर दिया, जिसके कारण आजादी प्राप्त करना सरल हो गया। विकास भी मैं मानता हूं जन आंदोलन बन जाना चाहिए। अगर ये कोई सोचता है कि सरकार देश बदल देगी, सरकार विकास कर देगी, आजादी के बाद एक ऐसा माहौल बन गया, अब आजाद हो गए सब सरकार करेगी, गांव में खड्डा भी हो, गड्ढा हुआ हो,
तो गांव के लोग मिलेंगे, मेमोरेंडम तैयार करेंगे, एक जीप किराए पर लेंगे, तहसील केंद्र पर जाएंगे, मेमोरेंडम देंगे। ये जीप किराए करने के खर्चे में चाहते तो वो गड्ढा भर जाता, लेकिन अब वो सरकार करेगी। आज़ादी के बाद एक माहौल बन गया कि ये सब कौन करेगा, सरकार करेगी। इसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ती गई। आपने देखा बस में भी कोई जाता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बस में अकेला बैठा है, अगल बगल में कोई पैसेंजर नहीं है, रास्ता काटना है तो वो क्या करता है, वो सीट के अंदर उंगली डालता है, है? उसके अंदर एक छेद कर देता है और धीरे 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 उसको काटता रहता है, बैठा बैठा ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जिस पर उसको पता चले कि भाई ये बस सरकार की है, मतलब मेरी है, ये सरकार मेरी है, देश मेरा है, ये भाव लुप्त हो चुका है। जी, जी, जी। मैं चाहता हूं कि देश में ये भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये भागीदारी का काम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हम कुछ ही पलों में देखते हैं कि उस समस्या के बाहर निकलने में ताकत आ जाए। क्यों? जनता जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा। सरकार बनने के बाद मैंने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। अब कल्पना करें सरकार बना पाती, सरकार तो पहले 5,000 बनाती होगी, तब 10,000 बनाती, कहेगी अरे पुरानी सरकार 5,000 बनाती, मोदी की 10,000, 10,000 से काम कब पूरा होगा भाई, जनता ने उठा लिया, काम पूरा हो गया। और जनता की ताकत देखिए, भारत में सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे के अंदर कंसेशन है टिकटों में। मैंने आकर के सरकार में कहा कि भाई अंदर लिखो तो सही, आप जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरता है लिखो तो सही कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं मेरा बेनिफिट जाने देना चाहता हूं। सिंपल सा था, प्रधानमंत्री के लेवल पर मैंने कभी अपील भी नहीं की थी। आप सबको आश्चर्य होगा, जो हिंदुस्तान की विशेषता देखी है, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की देशभक्ति देखी है, अभी अभी हमने निर्णय किया था, अब तक 40 लाख सीनियर सिटीजन्स जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्होंने वॉलेंटरली सब्सिडी नहीं लेंगे ऐसा लिख करके दिया और वो पूरी टिकट देकर के जाते हैं। अगर मैं कानूनन करता कि अब सीनियर सिटीजन को एसी कोच में ये बेनिफिट बंद, तो जुलूस निकलता, पुतले जलते, अब फिर पॉपुलैरिटी रेटिंग आता, मोदी गिर गया, ये दुकान चल जाती जी। लेकिन आपने देखा होगा 40 लाख लोग, मैंने एक दिन लाल किले पर से कहा कि जो एफोर्ड करते हैं उनको गैस सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए। हमारे देश में गैस सिलेंडर की संख्या के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे, कोई कहते थे कि मैं मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अभी 9 सिलेंडर मिलते हैं, मैं 12 सिलेंडर दूंगा, ये घोषणा की गई थी 2014 में। मैंने लोगों को उल्टा कहा, मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, सब्सिडी क्या जरूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, हिंदुस्तान के करीब करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, देश के लिए जीने मरने वाले, कुछ न कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना। और मेरी ये कोशिश है कि हमने सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार जो अहंकार है उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए।
जनता जनार्दन ही शक्ति है, उनको लेकर के चले, हम चाहे वैसा परिणाम जनता ला करके दे देगी, और इसलिए मैं जनता के साथ मिलकर के काम करने के विचार को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मोदी जी, वो लाइन है तो वो पुरानी याद आ रही है कि हम नीची नज़र, जो ये सरकार और जनता के बीच की दूरी जो हो गई थी कि हम नीची नज़र करके देखत है चरण तुमरे, तुम जाए के बैठे हो एक ऊंची अटरिया माँ। मैं तो जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कम से कम मुझे वो आदत ना आ जाए। जी मोदी जी, बिल्कुल, ये एक सवाल हम लेते हैं, इसके बाद आते हैं आप लोग भी। जी 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 जी, जरूर आप कहिए। ऑडियंस में से एक सवाल की हमें रिक्वेस्ट थी, श्री मयूरेश भोजानी जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मयूरेश भोजानी जी, अपना सवाल पूछें कृपया। किस तरफ हैं? शायद एंट्री नहीं मिली होगी, कोई भी कहेगा मैं मयूरेश हूँ। दो चार छह खड़े हो जाएंगे। हाँ जी पूछिए। नमस्ते जी। नमस्ते मोदी जी, जब आपने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हिम्मत भरा कदम लिया था, तब आपके मन में कैसी भावनाओं चल रही थी? मैं आपका आभारी हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका सवाल मैं है। आपका आभारी हूं कि आप वाणी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने एक्शन से अपनी भावनाओं को प्रकट की, और शब्दों से आपके साथी ने मुझे इस बात को पहुंचाया। एक तो ये दृश्य अपने आप में हृदय को छूने वाला है, इट टच्ड माय हार्ट। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको शत प्रतिशत
तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेक दिली देखिए, मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे, पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है, और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान के मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। मोदी जी, जब आपने वीरता की बात की, सेना की बात की, सेना के इतने त्याग के बाद भी वहां पर हम राजनीति का प्रवेश होता देखते, सेना के वीरता पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने को तैयार हो जाते, ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फिर एक बार मैं इस मंच का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए आलोचना करने के लिए उपयोग करना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। मोदी जी, ये तो बात हुई, हमने बदलाव की बेसब्री की, फिर अभी कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि होने के नाते नहीं कह रहा हूं, सच्ची प्रगति वही है जो सब तक पहुंचे। कोई भी सभ्यता, आपने अभी कहा जिस तरह से आपने बुजुर्गों की बात की, दिव्यांग की बात की, कोई भी सभ्यता स्वयं पर गर्व नहीं कर सकती अगर वो समाज के वल्नरेबल एंड्स का ध्यान नहीं रख पाती है। कार्यक्रम के जिस इस हिस्से में हम बात करना चाहते हैं उन वर्गों की जो शायद होकर भी हमें नहीं दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी योजनाओं के शोर में जिनके हित कहीं खो जाते थे, जैसे ढोल के स्वर में बांसुरी का स्वर कहीं मंथर लगता है। आइए कुछ इमेजेस देखते हैं। क्या मैं इतना दूर था कि मुझ तक पहुंचा ना जा सके? क्या वो इतने दूर थे कि मुझ तक पहुंचने में सालों लग गए? लेकिन आज पहली बार मैं नजर आया हूं, दूर कहीं गरीबी की रेखा के नीचे दबा था, ना जाने कैसे, पर अब मैं भी दिखाई देता हूँ। ऐसे बहुत तकलीफ थी, धुआं लगता था आँखी में, दम उखड़ने लगती थी, चूल्हा मिल गया तो मुझे बहुत आराम हो गई खाना बनाने में। आजादी के इतने सालों बाद भी दुनिया ने आवाज नहीं सुनी थी मेरी, पर अब मैं भी सुनाई देता हूँ। बहुत मुश्किल से जीवन निकाला है, 60 साल के बाद यहाँ लाइफ देखिए सर, हमारी पीछे वाली पीढ़ी है वो आराम पाएंगे। गांव में डाणियों में लाइट की अच्छी सुविधा हो गई है, बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब हमारे यहाँ चूल्हा वगैरह सब लग गई, पंखे लग गए, जो शहर में है जो हमारे गांव में है, अब हमारा गांव ऐसे हो गया जैसे शहर। पर जंगल
रेगिस्तान में खड़ा था मैं, मेरे बारे में कहां कोई सोचता था, पर पहली बार किसी ने मेरे बारे में भी सोचा। मेरे बाद इनका क्या, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, पर पहली बार किसी ने जवाब दिया। आजकल है ना, 12 रुपए में बच्चों की आइसक्रीम नहीं आती साहब, मेरे पूरे परिवार का बीमा मिला 12 रुपए में। खुले में जाने में क्या बुराई है, मैं भी यही सोचता था, पर पहली बार किसी ने ये सोच बदली। बाहर में खुले जाने से बहुत सारे बीमारी होते हैं, कहीं भी कोई मर्द मानुष देख लेता कितना शर्म के बात आता था, अब पहले से बहुत सारी सुविधा हम लोग के बढ़िया है। मैं दिखा अभी तो मेरा देश भी दिखा, मैं चमका अभी तो मेरा देश भी चमका, अब मैं भी दिखाई देता हूँ, अब मैं भी सुनाई देता हूँ। तो आइए आज इस मंच पर उनके बारे में बात करते हैं जो देश की प्रायोरिटी में हमेशा सबसे आखिरी पायदान पर रहते थे और जो आज सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। मोदी जी, आपने लाल किले से पहली बार टॉयलेट जैसे मुद्दे पर बात की, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसे अहम मुद्दे को, पर जो छोटे लगने वाला, छोटा दिखने वाला मुद्दा हो पर बहुत अहम हो, उसे प्राथमिकता दी, ये हमने देखा। ये जो प्राथमिकताएं बदली हैं या प्राथमिकताएं जो आप डिसाइड करते हैं, ये किस तरह डिसाइड करते हैं और ये इश्यूज कैसे ऊपर आए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आजादी के 70 साल में किसी सरकार का इन विषयों पर ध्यान ही नहीं था, ये कहना तो उनके साथ अन्याय होगा, तो मैं उस प्रकार से बात करता नहीं हूँ। और मैंने तो लाल किले से ये भी कहा था कि आज हिंदुस्तान जहाँ है वहाँ देश आज़ाद होने से लेकर के सभी सरकारों का, सभी प्रधानमंत्रियों का, सभी राज्य सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, हर जनप्रतिनिधि का कोई न कोई योगदान है, ये मैंने लाल किले पर से कहा था और मैं इसको मानता हूँ। लेकिन क्या कारण है कि इतनी योजनाएं हैं, इतना धन खर्च रहा है, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता है? महात्मा गांधी ने हम लोगों को एक सिद्धांत दिया था और मैं समझता हूं किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इससे बढ़िया कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप कोई भी नीति बनाएं तो उस तराजू से तोलिए कि उसका जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है उसकी जिंदगी में उस नीति का क्या प्रभाव होगा। मुझे महात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है कि हम नीतियां कितनी ही बढ़ाएं, बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन भाई जिसके लिए बना रहे हैं वो समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति, उस पर पहुंचने में हम कहां जाए। मैं जानता हूं मैंने ऐसे कठिन काम सर पे लिए हैं, हो सकता है उन्हीं मेरे कामों को कोई नेगेटिव पेंट भी कर सकता है, लेकिन क्या इसलिए उन कामों को छोड़ देना चाहिए क्या? गरीब जहां पड़ा है पड़े रहने देना चाहिए क्या? और तब जाकर के आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता। बलात्कार बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया था। मैंने कहा अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी, फोन पे बात करते माँ देखते हे बात बंद करो, किससे बात करती, किसके बात करते। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। ये बात मैंने लाल किले से कही थी और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी
देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। उसी प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भारत में सैनिटेशन का कवर 35-40% के आसपास था। क्या आज भी हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि मैं देखिए ये चीजें का एक और कारण भी है, मुझे किताब पढ़कर के गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है। मुझे टीवी के पर्दे पर गरीबी का एहसास करना नहीं है, मैं उस जिंदगी को जी करके आया। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती है, मैं देख के आया हूं। और इसलिए मैं मन से मानता हूं राजनीति अपनी जगह पे है। मेरी समाज नीति कहो, मेरी राष्ट्र नीति कहो, मुझे कहती है कि इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाऊं मैं। और तब जाकर के मैंने लाल किले से कहा कि हम 18,000 गांव जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसका मतलब बाकी गांवों में पहुंची है, जिन्होंने पहुंचाई उनको 100-100 सलाम, लेकिन 70 साल के बाद 18,000 न पहुंचना, ये भी तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। और मैंने सरकारी दफ्तर से कहा, मैंने कहा कब करोगे भाई, तो किसी ने कहा साहब 7 साल लगेंगे। मैंने कहा मैं 7 साल इंतजार नहीं कर सकता। और मैंने लाल किले से घोषणा कर दी, मैं 1,000 दिन में काम पूरा करना चाहता हूँ। कठिन काम था, दुर्गम इलाके थे, कहीं तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, माओवादियों का इलाका था। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करीब करीब पूरा हुआ, अब शायद 150-200 गांव बाकी हैं, काम चल रहा है। मोदी जी आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां शौचालय जाने के लिए सूर्योदय से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं, और दिन में कभी जाना पड़े शारीरिक पीड़ा सहती हैं, लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं, वो शौचालय के लिए नहीं जाती हैं। उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होगा होगा, उसके शरीर पर कैसा जुल्म होता होगा। क्या हम टॉयलेट नहीं बना सकते? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। और तब जाकर के मुझे लगा कि मैं लाल किले पर से जाकर के अपनी भावनाओं को बिना लाग लगवे बता दूंगा। जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने देखा कि देश ने बहुत रिस्पांस दे दिया। जो मेरा आज करीब 3 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, और काम तेजी से चल रहा है। और इसलिए लास्ट माइल डिलीवरी, ये लोकतंत्र में सरकारों की प्राथमिक जिम्मेवारी है। और इसी पर अभी जैसे मैंने एक बीड़ा उठाया है, पहले उठाया बीड़ा गांव में बिजली पहुंचाऊंगा, अब बीड़ा उठाया है घर में बिजली पहुंचाऊंगा। 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं भारत में, टोटल 25 करोड़ परिवार है, 125 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन करीब करीब 25 करोड़ परिवार है। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ परिवारों में आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी है, वो दिया जला करके गुजारा करते हैं। मैंने बीड़ा उठाया है, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में उन 4 करोड़ परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा। उनके बच्चे बिजली के में पढ़ेंगे, उनके घर में अगर कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो वो दुनिया से जुड़ेंगे। टीवी लाने का खर्चा मिल जाएगा तो टीवी देखेंगे, बदलती हुई दुनिया देखेंगे। वो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उनके अंदर भी बेसब्री मुझे पैदा करनी है, उनके अंदर वो बेसब्री पैदा करनी है ताकि वो भी कुछ करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाए। और वही तो एम्पावरमेंट है,
मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है। मोदी जी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सब मानते हैं, पर क्या अकेले आप देश बदल पाएंगे? देखिए, मैं मेहनत करता हूं, ये बात आपने कही, मैं समझता हूं देश में इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं ये मुद्दा ही नहीं है, अगर न करता तो मुद्दा है। सवा सौ करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहां बिठाया है? न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, मेरी ना कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है प्रामाणिकता, मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। मुझ में वो सारी कमियां हैं जो एक सामान्य मानवी में होती है। कि 16 घंटे तो काम नहीं करते सामान्य। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। और वो हकीकत है, मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं वही हूं जो आप हैं, आपसे मैं अलग नहीं हूं। मेरे भीतर एक विद्यार्थी है और मैं मेरे शिक्षकों का बहुत आभारी हूं कि बचपन में मुझे उन्होंने ये रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया। और मुझे जो दायित्व मिलता है उसको मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होगी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों का कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे गुजरात में काम करने का मौका मिला। अब 4 साल होने आए हैं प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का काम मुझे मिल गया है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, मैंने देश को वादा किया है। अब सवाल ये है, मैंने कभी नहीं सोचा है कि देश मैं बदल दूंगा, ये कभी नहीं सोचा है, लेकिन मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा है
और मैंने अनुभव किया है कि कोई कल्पना कर सकता है, नोटबंदी आप अगर टीवी खोल करके देखोगे तो नोटबंदी मतलब मुझे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले थे तो वो कह रहे थे मोदी जी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बोले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि मेरा दोस्त गया। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अरे बोले यार तुमने जब नोटबंदी की तो, क्योंकि वेनेजुएला में उसी समय चल रहा था, उनके पड़ोसी हैं लोग तो उनको पता था, तो बोले मेरी पत्नी और हम दोनों चर्चा करते थे, मेरा दोस्त गया। 86% करेंसी कारोबारी व्यवस्था से बाहर हो जाए, टीवी के पर्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ धुआंधार आक्रमण हो, लेकिन ये देशवासियों प्रति मेरा भरोसा था जी। कि देश, मेरा देश ईमानदारी के लिए जूझ रहा है, मेरा सामान्य देश का नागरिक ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने को तैयार है, करने को तैयार है। अगर ये मेरे देश की ताकत है तो मुझे उस ताकत के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी परिणाम आप देखते हैं, मोदी तो निमित्त है, और एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों पर कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, कोई गालियां नहीं पड़ दे रहा है। मैं अकेला हूं, लेता रहता हूं, झेलता रहता हूं, और मैं आपकी तरह कवि तो नहीं हूं, लेकिन हर युग में कोई ना कोई कुछ तो लिखते ही रहते हैं। आप में से सबने लिखा होगा, लेकिन हम सब कवि नहीं बन सकते, वो तो प्रसून ही बन सकते हैं। लेकिन मैंने कभी लिखा था जी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार करके आया हूं तो मेरी जिंदगी में ये सब झेलना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि हम ठोकरें खाते खाते आए हैं जी, पर बहुत प्रकार की परेशानियों से निकल के आए हैं। तो मैंने लिखा था कि जो लोग मुझे पूरी कविता के शब्द आज याद नहीं, लेकिन किसी को रुचि होगी तो मेरी एक किताब है, जरूर आप देख लेंगे। मैंने उसमें लिखा था, जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। और इसलिए मेरा कंसेप्ट रहा है टीम इंडिया, सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, राज्य सरकार है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मैंने कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। मैंने अभी देश के 115 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, मैं उनको प्रेरणा जगा रहा हूं कि आप अपने स्टेट के जो एवरेज हैं वहां तक आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उनको उत्साह बढ़ा रहा हूं और वो कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि टॉयलेट का लक्ष्य करता हूं पूरा हो जाता है, 18,000 गांव में बिजली। कोई मोदी खंभा डालने गया था क्या? खंभा डालने के लिए मेरे देशवासी गए थे, बिजली पहुंचाने वाले मेरे देशवासी गए थे, और इसलिए महात्मा गांधी की वो बात जिसने मुझे जीवन में एक मंत्र के रूप में लिया है कि आजादी के लिए दीवाने बहुत थे, आजादी के लिए मरने वाले लोग भी बहुत थे, और उनकी त्याग तपस्या को कोई कम नहीं आंक सकता है, उनकी शहादत को कोई कम नहीं आंक सकता है, लेकिन गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया, मैं विकास को जन आंदोलन बना रहा हूं। मोदी अकेला कुछ नहीं करेगा, और मोदी ने कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन देश सब कुछ करें, और मोदी में और सरकारें, कभी कभी तो मैं कहता था जब मैं गुजरात में था तो एक बात करता था, मैंने कहा हमारा देश ऐसा है कि सरकार रुकावट बनना बंद कर देना तो भी देश बहुत आगे बढ़ जाता है। उन मूलभूत विचारों से मैं चलने वाला इंसान हूं।
कविता की आपने बात की तो आपको सामने देखकर एक कविता मैं सुना देता हूँ, जो कविता मतलब मैं कहूँगा कि भारत पर तो बहुत ही खरी उतरती है, आप पर भी बहुत खरी उतरती है। कहीं आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि सर्प क्यों इतने चकित हो, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ, पी रहा हूँ विष युगों से, सत्य हूँ आश्वस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ, पी रहा हूँ विष युगों से, सत्य हूँ आश्वस्त हूँ। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की, मैं अभय लेकर चलूंगा, मैं व्यथित ना त्रस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ, है मेरा उद्गम कहाँ पर और कहाँ गंतव्य है, दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूँ सृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूँ सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूँ मैं, एक लघु सी बूंद हूँ मैं एक शाश्वत वृष्टि में, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। प्रसून जी, हम लोग आपकी इस भावना का मैं आदर करता हूँ, लेकिन हमारी रगों में वही भाव रहा है, वयम अमृतस्य पुत्रः। जी जी जी, इसी भाव को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं, और इसलिए हमारे देश में हर किसी ने दंश भी सहे हैं, जहर भी पिया है, परेशानियां भी झेली हैं, अपमान भी झेले हैं, लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया है। और ये जज्बाई है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ताकत रखता है, और मैं इसको अनुभव करता हूं। जी, यहां पर कुछ सवाल ऑडियंस से लेते हैं। श्री सैमुअल डाउजेट से लेते हैं एक सवाल, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप अपना सवाल जो है जरूर अपने साथ आपके कोई खड़ा होगा उन्हें दे दें लिखकर, वो आप तक पहुंचेंगे। आप जरा लिखकर दे दें अपना सवाल, आप दे दें, मैं पूछ लूंगा आप, या आपका नाम अनाउंस कर। Good evening, Mr. Prime Minister. In the past, we've heard the term Obamacare, and more recently, there's been talk of Modi Care in India. And I wanted to ask, will this lead to major change in India's health sector? Thank you. I think Modi Care, I think Obamacare, Modi Care, के बीच पैरेलल ड्रॉ किया है उन्होंने, तो उस विषय में कि हेल्थ सेक्टर के बारे में शायद बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि तीन बातों पर मेरा एक आग्रह है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो मैं, हमारे मेघनाथ भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं कोई उस प्रकार की बातें करने वाली कोई मेरी परंपरा नहीं है, लेकिन तीन चीजें: बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। ये चीजें हैं जो हमें एक स्वस्थ समाज के लिए चिंता करनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि कितना ही अच्छा परिवार हो, कोई व्यसन ना हो, कोई बुराइयां ना हो, कुछ ना हो, बहुत अच्छे ढंग से चलता हो परिवार, किसी का बुरा भी ना किया हो, लेकिन उस परिवार में अगर एक बीमारी आ जाए, कल्पना की होगी भी चलो बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, शादी करवानी है, और घर में एक व्यक्ति की बीमारी हो जाए, पूरा प्लान खत्म हो जाता है, बच्ची कमारी रह जाती है, बीमारी पूरे परिवार को तबाह करके चली जाती है।
एक गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है, बीमार हो गया, एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, सारी व्यवस्था बीमार हो जाती है, और तब जाकर के हमने कुछ सोचा। तो हमने हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच लिया है। कुछ लोग इसको मोदी केयर के रूप में आज प्रचलित कर रहे हैं। मूलतः योजना है आयुष्मान भारत, और उसमें हमने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात हो, एफोर्डेबल हेल्थ की बात हो, और सस्टेनेबल चेन की बात हो, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके दो कंपोनेंट है। एक, हम देश में करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वेलनेस सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अगल बगल के 12-15 गांव के लोगों के लिए हेल्थ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और वो सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ताकि बड़ी अस्पताल से जुड़ करके वहाँ पेशेंट आया है तो उसको तुरंत गाइड करें, क्या दवाइयाँ चाहिए, व्यवस्था करें। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ को बल मिले, चाहे योगा हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, चाहे न्यूट्रिशन हो। हमने एक पोषण मिशन शुरू किया है विमेन ऑन चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, उसकी दौर हमने काम किया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव के लिए आज भी उतनी उदारता नहीं है जितनी हमारी सरकार ने आकर के की है। मुझे मानता हूँ यूके के लोग भी जानकर के खुश हो जाएंगे, हमने उन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उस माँ के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैटरनिटी लीव 26 वीक कर दिया है। एक और पहलू है कि परिवार को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, भारत के करीब 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन, एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको साल भर में 5 लाख रुपया तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति, अगर जितनी बीमारी होती है, 5 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार देगी। इसके कारण गरीब की जिंदगी में ये जो संकट आता है उसे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूँ बड़ा बड़ा भगीरथ काम है, लेकिन किसी को तो करना चाहिए। दूसरा, इसके कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल आने की संभावना है, टायर 2 टायर 3 सिटी में अच्छे हॉस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट आएगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि मेरे पैसे कोई देने वाला है तो वो जरूर जाएगा। थोड़ी सी बीमारी आएगी तो आज नहीं जाता है, वो कहता है छोड़ो यार, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो जेल लेता है, लेकिन जब पता है कि तो जाएगा। अस्पताल को भी पता है कि भाई पेशेंट जरूर आए, ताकि पैसे देने वाला कोई और है, और इसके कारण नए हॉस्पिटल का चेन बनेगा। और मैं मानता हूँ निकट भविष्य में, और आप में से जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, 1000 से ज़्यादा नए अच्छे हॉस्पिटल बनने की संभावना पैदा हुई है। ये परमानेंट सॉल्यूशन इसमें से पैदा होने वाले हैं। उसी प्रकार से दवाइयाँ, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है, वहाँ कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो हमने क्या किया, जेनरिक्स मेडिसिन, और वो उतनी ही उत्तम क्वालिटी की होती है, जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी वो आज जेनरिक मेडिकल स्टोर में 15 रुपये में मिलती है। करीब 3000 ऐसी हमने जन औषधालय का काम किया है, और भी हम बढ़ा रहे हैं, ताकि सामान्य व्यक्ति, और उसको हम प्रचारित भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई हार्ट की बीमारी, अब आपको तो पता नहीं चलता है, दिखता तो नहीं है, अंदर डर लगता है हार्ट यार, कुछ होगा तो डॉक्टर कहेगा स्टेंट रखना पड़ेगा, तो कहता भाई चलो, फिर कहता है देखो 2 स्टेंट है, ये रखोगे तो 2 लाख का होगा, ये रखोगे तो 1 लाख का होगा। तो वो सोचता है 2 वाला क्यों और 1 वाला क्यों, तो कहता है 2 वाला लिया तो
जीवन तक चलता है, एक वाला लिया तो 4-6 साल के बाद नया, तो फिर वो कहता है यार फिर यही लगवा लो 2 वाला, तो बेचारा कर से पैसा ले आता है। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है 2-2 लाख रुपए की, मैंने नेगोशिएशन शुरू किए और आप हैरान होंगे करीब करीब 60-80% कीमत कम हो गई। जो 1.5-2 लाख होता था वो आज 20,000-25,000 में हो रहा है गरीब की सेवा। उसी प्रकार से नी ट्रांसप्लांट करीब करीब अब लोगों का आदत तो रही नहीं आसन योगा करने की, वो मैं कह कह कर थक जाता हूँ भी योगा करो, अब ये चलता नहीं है तो कहते हैं चलो स्क्रू मिजाज फिट करवा दो, अब बहुत पैसे लेते हैं, मैंने उनको बुलाया वो भी खर। तो ऐसे कई पहलुओं को लिया है हमने, पूरे हेल्थ सेक्टर को एक होलिस्टिक अप्रोच से हम काम कर रहे हैं, उसके साथ स्वच्छता भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि भाई स्वच्छता को अगर ध्यान दिया जाए तो एक परिवार का बीमारी के पीछे एवरेज साल का 7,000-12,000 रुपया का खर्च बच जाता है। तो ऐसे कई चीज़ों को लेकर के हम योजना बनाई है, लोग इसको मोदी केयर कहें सारे की मर्जी है, लेकिन मूलतः मेरी इच्छा है मेरे देशवासियों की मैं केयर करूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, जो आपने क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में इतने कदम आपने उठाए हैं और शायद जो कोलाहल होता है उसमें बीच में कहीं ये सारी चीज़ें खो जाती हैं। बहुत ही बड़ी जानकारी थी ये सबके लिए और ये सवाल पूछने के लिए सैमुअल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और भी इसके बाद इंगेजमेंट्स हैं, मुझे मालूम है कि बहुत आपका आगे भी कार्यक्रम है रात का, तो एक और सवाल लेते हैं। ये संतोष पाटिल जी का नाम मेरे पास आया है, संतोष पाटिल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। संतोष पाटिल जी अपना सवाल पूछें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं संतोष पाटिल कर्नाटक से हूँ। आज कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आज आपको भी पता होगा कि जगतगुरु बसवेश्वर जी का जयंती है। पिछली बार जब आपने लंदन को आए थे तो तब आपने जगतगुरु बसवेश्वर जी का प्रतिमा का अनावरण किया था, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप उनके जीवन और उनके विचारों को कैसे देखते हैं और आप क्या उनके विचारों को कैसे आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखो हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास, उसको भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया गया है। बहुत लोगों ने शायद बसवेश्वर जी का नाम आज पहली बार सुना होगा। 12वीं सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक के, और मैं आप में से किसी को रुचि हो तो भगवान बसवेश्वर के वचन पढ़ने जैसे हैं और आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज उनकी जन्म जयंती है तो मैंने आज मेरे बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाला था और यहाँ पर जो पिछले बार मैं जब आया था जिस स्टैचू का मुझे अनावरण करने का मौका मिला था तो वहाँ जाकर के मैं खुद आज नमन करने चला गया था। देखिए हमें हमारे लिए गर्व ही नहीं है, हमारा दुर्भाग्य ही है जी, हमें अपनी महानताओं का पता ही नहीं है। हम मैग्ना कार्टा के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए दुनिया से सारी बातें होता है। आपको जानकर के खुशी होगी 12वीं सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें 12वीं सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था
भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके ऊंच नीच जातिवाद को समाचार करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती है, उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहाँ ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहाँ ठहराव है वहाँ जिंदगी समाप्त है, और जहाँ पर गति है वहाँ पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नितन नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है, जहाँ ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे उनकी जन्म जयंती पर वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। और हम सब भगवान, और मैं तो चाहूँगा हमारे स्कूलों के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अनुभव मंडपम नाम की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कैसे उस जमाने में डेवलप की होगी, कितनी बड़ी दीर्घ दृष्टि होगी एक महापुरुष की जिन्होंने इस काम को किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। मोदी जी, हमारे देश में साहस और संकल्प की कमी नहीं, संघर्ष करने की आदत है हमारे देश को, पर यही शक्ति कहीं और पहुंच जाती है अगर कोई इसे दिशा दे, इसका हाथ थामे। अब हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं, चलिए नजर डालते हैं। है सफर मेरा रास्ता तुम्हारा, है उड़ान मेरी आसमां तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। हम जैसे यूथ्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्किल सिखाई जाती है, ताकि हम अपना लाइफ को ग्रो कर सके, बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके। है सपना मेरा हौसला तुम्हारा, है कोशिश मेरी प्रोत्साहन तुम्हारा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में पता चला, ये लोन एक महीने में ही मुझे मिल गया, बिना सिक्योरिटी के बिना। ऐसे लोन हम जैसे क्षुद्र व्यवसायियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। है प्लान मेरा रिस्क तुम्हारा, है काबिलियत मेरी भरोसा तुम्हारा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपना बुटीक करना, अपना खुद का काम करना। एक डेढ़ हफ्ते में लोन मुझे मिल गया था, उसके बाद में सर मैंने अपना खुद का एक बुटीक खोल लिया है, सामने वाले को काम दे सकती हूँ, मैं खुद किसी के पास काम करने नहीं जा रही। है पसीना मेरा परिवर्तन तुम्हारा, है फसल मेरी रक्षण तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। अगर कोई भी तूफान में अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो सीधा किसान के खाते में पैसा आ जाता है बीमा योजना द्वारा। जब देश के छोटे बड़े साहस वीरों को आगे बढ़ाने वाला साथ मिलता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तो आइए करते हैं भारत के साहस की बात सबके साथ। बहुत से सवाल आए थे, और खासकर ये कि कैसे भारत एक बस एक नज मांगता है, एक थोड़ा सा इशारा मांगता है, और एक थोड़ा सा हाथ थामने की बात मांगता है, और उसके बाद वो चल निकलता है। और कई लोग हैं जो उससे लाभान्वित हुए हैं। तो योजनाएं तो हर सरकार बनाती है, ये पूछा है किसी ने, पर आपके सरकार की योजनाएं ये कैसे अलग हैं? ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है, जिसका हम काफी जिक्र सुनते हैं? देखिए,
कोई भी सरकार में आता है तो विफल होने के लिए तो आता नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ करने के लिए ही आता है। पहले भी सरकारें आई हैं कुछ न कुछ करने के इरादे से आई हैं, लेकिन बहुत एक देखा गया अगर हम एनालिसिस करेंगे तो एक ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, सरकार के बिना उनका गुजारा ही ना हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं, न कि हम गरीबों को फीड करके कर सकते हैं। और उनको शक्ति देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। हो सकता है 100 रुपये के बजाय 200 रुपये का खर्च होगा, लेकिन अल्टीमेटली पे करेगा। और इसलिए मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें, हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। और अनुभव मेरा ये है, अब जैसे हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई है, आपने सुना होगा किसी जमाने में हमारे देश में लोन मेले हुआ करते थे, और लोन मेले ऐसे होते थे कि पॉलिटिकल लोग अपने चेले चपाटों को उस लोन मेलों में कतार में खड़े रखते थे अपनी राजनीतिक शक्ति पैदा करने के लिए, और वो फिर लोन मेले से पैसे ले जाते थे और बाद में कोई पूछने वाला नहीं था, गया सो गया। पैसा बैंक का था, देश का था, जनता का था, लोन मेला गरीब के लिए था, पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन लोन मेलों ने जिंदगी बदली? नहीं बदली। हमने क्या कहा, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए जिसमें हमने बिना बैंक गारंटी लोगों को पैसा देना तय किया, लेकिन ये लोन मेले से डिफरेंट था और अलग अलग स्कीम के उसके काम के हिसाब से उसको पैसे देना। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अब तक 11 करोड़ लोगों ने इस मुद्रा योजना का लाभ उठाया है। ₹5,00,000 करोड़ से ज्यादा पूंजी इन लोगों के हाथ में पहुंची है। और आपको जानकर के ये भी खुशी होगी कि 11 करोड़ में बैंक से मुद्रा योजना में पैसे जिनको मिले हैं बिना बैंक गारंटी मिले हैं, कोई कोलेटरल गारंटी की जरूरत नहीं थी कि भाई तुम जमीन लाओ, डिकना लाओ, फलाना, कुछ नहीं। 74% वीमेन है इसमें, मुझे अभी इन मुद्रा योजना के तहत पैसे लेने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे बातें की, क्या अनुभव आया उस, मैं हैरान था जी, ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने शुरू की हैं और आज धीरे धीरे वो कोई 5 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 3 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 2 लोगों को रोजगार दे रहा है। वो स्वयं में अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में अब नए नए तरीके से सोच रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एम्पावरमेंट है, नहीं पहले क्या था, तुम चिंता मत करे यार, सरकार में तुमको काम में लगवा दूंगा। अब कुछ दिन मिल गया, कुछ दिन नहीं मिल गया, उसको लगता था यार यार यही मेरी जिंदगी भली करेगा, तो उसको चिपक के रहता था। हमने उसको एम्पावर करने के लिए, अब एग्रीकल्चर हमने स्थान लिया है कि हम 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब तक हम देश के किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं।
अब उसके लिए उसकी लागत कम होनी चाहिए, उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। हमारे देश में यानी ये जो आप कहते हैं ना मोदी का वे ऑफ गवर्नेंस क्या है, हमारे देश में मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने उस समय प्रधानमंत्री को जो सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी है वो एक ही बात पे लिखी है, साल में 3-4 बार लिखना पड़ता था कि हमारे देश में किसानों को हमारे राज्य में यूरिया की ज़रूरत है, हमें यूरिया का कोटा बढ़ा दीजिए, यूरिया दे दीजिए, और सरकार कहती थी कि नहीं नहीं इससे ज़्यादा कोटा नहीं मिलेगा। यूरिया के लिए लोग 2-2 दिन तक कतार में खड़े रहते थे, कुछ राज्यों में यूरिया प्राप्त करने के लिए लाठीचार्ज की घटनाएं बन जाती थी। ये क्यों होता था आप हैरान होंगे, यूरिया का कारखाना मुझे लगाना होता तो 5-6 साल लग जाते। मैंने आने के बाद कोई नए कारखाने नहीं लगाए हैं, प्रक्रिया चल रही है, लगने वाले हैं, जो बंद पड़े थे वो चालू भी होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ मैंने एफिशिएंसी में परिवर्तन किया, कुछ गलत काम हो रहे थे उसको रोका, ईमानदारी को बल दिया, बिना कोई एक्स्ट्रा नया कारखाना लगाए 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया। दूसरा, यूरिया होता था सब्सिडी जाती थी, करीब 80-90 हजार करोड़ सब्सिडी जाती थी यूरिया में, सब्सिडी के नाम पर यूरिया निकलता था, किसान के नाम पर निकलता था, लेकिन वो केमिकल फैक्ट्री में चोरी होकर के चला जाता था, केमिकल फैक्ट्री वाला उसको रॉ मटेरियल के लिए उपयोग करके उसमें से कोई नई प्रोडक्ट बना करके दुनिया को बेच देता था, उसको बहुत सस्ते में यूरिया मिल जाता था। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया, ये जो आपका नीम का पेड़ होता है उसकी जो फली होती है उसका तेल निकाला, उसमें यूरिया को मिक्स कर दिया। इससे परिणाम क्या आया, एक जो नीम के ट्री थे उसकी फली जो बेकार में जाती थी लोगों को इकट्ठा करने वाले गरीबों को रोजगार मिल गया। नीम का तेल निकलने से उसको इसमें डालने से अब वो यूरिया जमीन के सिवाय किसी काम में नहीं आता है, चोरी बंद हो गई। तीसरा, यूरिया नीम कोटिंग होने के कारण उसकी अपनी ताकत बढ़ गई, जमीन में सुधार लाने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें आई, जिसके कारण उत्पादन में 5% से 15% तक इंक्रीज हो गया। मुझे बताइए कितने फायदे हो गए। अब ये बदलाव है कि नहीं है। स्किल डेवलपमेंट, हम केमिकल फैक्ट्री मान लीजिए है गुजरात में और मैं केमिकल का स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, तो वो रोजगार कहाँ से मिलेगा उसको? अगर जहाँ पर जो फैक्ट्री है उसका मैपिंग करके उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अगर स्किल डेवलपमेंट करता हूँ तो उसको तुरंत रोजगार मिलेगा और स्टेबिलिटी भी रहती है। और इसलिए हमने देश भर में जो उद्योग जगत के लिए पोटेंशियल एरियाज हैं उसके अनुसार स्किल डेवलपमेंट के मैकेनिज्म को हमने डेवलप किया है, और वो भी जन भागीदारी से। हमने कहा भाई चलो भाई आपकी 10 फैक्ट्री हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती हैं, आप 10 लोग एक इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़ा करो, ऑटोमोबाइल के लिए जो मैन पावर चाहिए उसकी ट्रेनिंग आप वहाँ करिए, आप ही के इंजीनियर को पढ़ाने के लिए भेजिए, जो स्किल डेवलप हो जाएगा वो नौजवान आप ही की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसको नौकरी मिल जाएगी। तो एक ऐसे तरीकों को हमने अपनाने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब हो चुका है, हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, और इसलिए जो साहस करता है उसको साथ देना ये हमारा दायित्व है। साहस करने वाले को निराश नहीं होने देना, जहाँ जरूरत पड़े उंगली पकड़ करके आगे ले जानी तो उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके ले जाने की ताकि जरूरत हो हाथ पकड़ करके, और धक्का दे करके ले जाने की जरूरत पड़े तो वो भी करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास करना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत जब बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी आप पूरे
जब आप बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो साफ दिखता है कि आप कितने उसमें इन्वॉल्व हैं और कितने उसके नीटिग्रिटी से, धागा धागा से आप उससे जुड़े हुए हैं। लोगों को ये लगता है, आपको ये पूरा एहसास होता है कि कितना काम जा रहा है और कितना जो परिवर्तन आ रहा है, क्या वो लोगों को उसका पूरा एहसास हो रहा होता है? आपको लगता है कि पूरी तरह होता है? देखिए, देश जिस हालत में था उसको अगर आप याद रखोगे तब तो क्या हो रहा है उसका पता चलेगा। मुझे बराबर याद है जब मैं पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बना 2001 में, मैं कभी पुलिस थाने में नहीं गया था, मैं कभी सरकारी दफ्तर नहीं देखा था, मैंने असेंबली नहीं देखी थी, मेरे लिए सारी दुनिया नई थी, मुझे सब सीखना था, समझना था, अभी मेरा सफर लेना बाकी था। लेकिन लोगों को पता चल जाता है तो फिर लोग आ जाते हैं मालाएं वालाएं लेकर के, वो तो दुनिया का रिवाज है। मैं भी सोच रहा था वाह रातों रात लोग मुझे कहते कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करना। यानी जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे गुजरात से मुझे यही मांग थी कि साहब कम से कम खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करना। खैर, बाद में मैंने इस मिशन को हाथ में लिया, 2-3 साल काम किया और स्थिति ये बनी कि गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां 24/7 घर में बिजली मिलना संभव हुआ। लेकिन आज जो 18-20 साल का है उसको पूछो अंधेरा क्या होता है तो उसको मालूम ही नहीं है। खाना खाते समय बिजली नहीं होती थी वो क्या होता था, क्योंकि उसने पता ही नहीं है। तो ये सरकार हमारी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मैं मानूंगा कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है ये अगर कंपेरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। और मुझे, मेरा सौभाग्य है कि पहले अखबार में ये खबरों की हेडलाइन रहती थी, आज इतना गया, आज इतना गया, यही खबरें रहती थी 2014 के पहले। आज खबर होती है मोदी जी बताइए कितना आया। मैं समझता हूं देश को ये विश्वास पैदा हुआ है। पहले एक समय छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला है, आज स्थिति बनी है, अरे ये क्यों नहीं होता है, मोदी जी आप बैठे क्यों नहीं होता है, ये अच्छी चीज है। मेरी आलोचना होती होगी लेकिन आलोचना ये नहीं होती कि मोदी नहीं करता है, आलोचना ये होती है अरे मोदी आप कर सकते हो ये क्यों नहीं करते आप बताओ। मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं। इवन मीडिया भी मेरी आलोचना क्या करता है, मीडिया मेरी आलोचना बहुत करता है और वो बुरा है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो आलोचना क्या करते, अरे मोदी जी आपको बिठाए थे ये तो आप करके दिखाओ। मैं समझता हूं ये देश की प्रगति का उसके अंदर एक सहज एहसास है कि ये होना चाहिए, मोदी है आपके, पहले की बात छोड़ो वहां नहीं हुआ नहीं हुआ, आप तो कर सकते हो, ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सफलता। बहुत अपेक्षाएं आपसे हमेशा देश रखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहां से आई, क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे
फकीरी आती चली गई। ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। कि आपने कविता में कहा भी है कहीं फकीरी के का जिक्र किया है। बहुत पुराने मेरी एक, अगर अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन मुझे बता दें। मेरी कठिनाई है, मुझे राती में आपकी कविता मुझे पता है, मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पर लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा, मेरा भी मन करेगा, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी जी आप बारिया भेज देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूँगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीज़ों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे, मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें, सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूँ, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे, किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा, आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूँ, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर
और उनके प्यून के बच्चों को कुछ ना कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, इसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। दो दिन के बाद उनका साहब, हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए। तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूँगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया। और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूँ, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर फकीरी, उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। ऑडियंस से भी कुछ और यहाँ भी सवाल आए, पर पहले मैं चाहूँगा कि जो पहले से यहाँ पर रिक्वेस्ट है उसमें एक, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ यहाँ से भी सवाल है। ये सवाल श्री तरणप्रीत सिंह जी पूछना चाहते हैं। श्री तरणप्रीत सिंह जी पूछें कृपया, उधर ऊपर ऊपर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे हृदय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं, आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए आगे हम यूज करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें, आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूँ सर। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी।
उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाबजी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है, स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल, शरीर तो शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपना, कोई अपनों के लिए, कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता, अरे उठो यार चलो दौड़ो। तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था। दूसरी बात है कि हमें भी, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं, ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना या अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है, और दूसरा नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ। ये तो आपने यूज खुद ही करनी पड़ती है। बहुत से सवाल हैं, मैं नाम पढ़ता हूँ और
देखते हैं कितने ले सकते हैं। एक अमित दुबे जी का है, एक आशुतोष दीक्षित जी का है, ये सब यहीं पर हैं, सतीश जी का है और प्रेम सिंह जी का है। अमित दुबे जी, आपका सवाल पहले है, लेकिन इस मैं पूरी हैंडराइटिंग आप पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया से संबंधित सवाल ये पूछना चाहते हैं। ये बात सही है, देखिए दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम उससे परहेज नहीं कर सकते, उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है, डिजिटल वर्ल्ड का जो रिवॉल्यूशन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत भारी संभावना है, और इसलिए एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, इजी गवर्नेंस है, इन सारों को देखते हुए हमने इसको बल देना चाहिए। भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का बहुत बड़ा काम तेजी से चल रहा है। आपको हैरानी होगी, पहले 3 साल में 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गया था मेरे आने से पहले। योजना का ज्ञान था, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होना चाहिए पता था, पैसे थे, काम करने वाले थे, हुआ कितना, 3 साल में 59 विलेजेस। मैंने 3 साल में 1 लाख से ज्यादा गांव में काम पूरा कर दिया है। ये फर्क है, काम में ये फर्क है। अब जैसे हमने एक जेम योजना बनाई है, GEM, कोई भी व्यक्ति ये डिजिटल वर्ल्ड के तहत उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अकेला अपने घर में छोटी प्रोडक्ट करता है, भारत सरकार को चाहिए तो बेच सकता है, कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं, बड़े बड़े टेंडर की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों की जरूरत नहीं। मैं हैरान था, मुझे एक दिन तमिलनाडु से एक महिला की चिट्ठी आई। मैं रेगुलरली ऐसे एट रैंडम 10-12 चिट्ठी पढ़ने का डेली प्रयास करता हूँ। चिट्ठियाँ तो हजारों आती हैं तो सब नहीं पढ़ पाता हूँ, वो डिपार्टमेंट पढ़ता है, लेकिन मैं एट रैंडम 10-12 चिट्ठी लेकर के खुद पढ़ता हूँ ताकि मुझे सामान्य मानवी की क्या भावना है उसका पता चले। तो एक दिन चिट्ठी एक मेरे हाथ में आई, तमिलनाडु की एक महिला ने चिट्ठी लिखी थी, और उसने लिखा कि मैं हैरान हूं कि उसकी 2 बेटियां हैं, उसने वर्णन अपना लिखा है, मेरे पति नौकरी करते हैं लेकिन बेटियां बड़ी हुई, शादी करवानी थी, घर में थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ काम शुरू करूँ। तो मेरे बेटियों ने कहा कि तुम मुद्रा से पैसे ले लो, मुद्रा योजना से। तो बोले मैंने बैंक में अप्लाई किया, मुद्रा योजना से मुझे पैसे मिल गए, और मैं भी हैरान थी कि मुझे 15 दिन में पैसे मिल गए। फिर बोले मैंने बाजार से सामान लेकर के बेचना का शुरू किया, इतने में मैंने जेम, मेरी बच्चियों ने कहा जेम में रजिस्ट्री कराओ, बोले मैंने करवा दी। उतने में मैंने जेम में पढ़ा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को चाय के लिए 2 थर्मोस की ज़रूरत है। तो बोले मैंने बाजार में पूछा सस्ते में थर्मोस कहाँ मिलेगा, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जेम में लिखवा दिया, और जेम के आधार प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर मिल गया। तो मैंने 2 थर्मोस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को पहुंचा दिए और मुझे पेमेंट भी मिल गया। तो बोले मेरे खुशी का पार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है कि ये संभव हुआ, वरना कहाँ तमिलनाडु के किसी गाँव में कोई एक महिला अभी तो व्यापार शुरू कर रही है और उसकी चीज प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुँच जाती है। तो हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन के द्वारा, दूसरा एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, हम उसकी दिशा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि भारत और आईटी रिवॉल्यूशन में तो भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका बेनिफिट भारत के कॉमन लोगों को मिलना चाहिए, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। दुबे जी, आप सेटिस्फाई होंगे इस सवाल से, आशा है हम आगे बढ़ रहे हैं। जी ओके मोदी जी, भारत के साहस और संकल्प के बाद बात करते हैं आने वाले कल की और भारत के लक्ष्य की।
आज भारत की ओर सारा विश्व एक आशा की निगाह से देख रहा है और भारत अंदर से जानता है कि उसे अभी बहुत दूर जाना है। आइए कुछ तस्वीरें देखें। अभी भी कितनी गंदगी गांव और शहर से मिटानी है, अभी भी कितनी गंदगी तिजोरियों से हटानी है, अभी भी ढेर सारे धुएं से लड़ना है, अभी भी ढेर सारे बीमारियों को हराना है, अभी भी कितने गांव को पावर देना है, अभी भी कितने नामों को रोशन करना है, अभी भी कितने खातों को जन धन से भरना है, अभी भी कितने हाथों को हुनर से सजाना है। अभी भी और कितने आसमान छूने हैं, अभी भी और कितने बीज नए बोने हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है ना। भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ। ये नए भारत की बात है, ये न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें भारत का क्या रोल देखते हैं आप? सब अनुभव करते होंगे कि आज आपके पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है? सच बताइए, ऐसे मुझे खुश करने के लिए मत बताइए। बदला है? आपके प्रति लोग अब गर्व के साथ देखते हैं? हिंदुस्तान तो वही है, पहले भी था, आप भी थे, दुनिया भी थी, अब बदलाव महसूस होता है कि नहीं होता है? ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं, भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा, तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए, कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊं। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं यूएई भारत से निकल के 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए,
23 साल तक कोई गया नहीं था भाई। मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान के प्रति उनका अपेक्षा नहीं होगी क्या? कौन रोकता था आपको? आज विश्व के सभी देशों के साथ हम बराबरी के साथ, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी, भरपूर आलोचना होती, वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश क्या समझ आएगा उसको, और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी, ये देश का भट्ठा बिठा देगा। लेकिन आज 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है। और उसका कारण मोदी नहीं है, मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है, मोदी को हिंदुस्तान की महान परंपराओं पर आस्था है, मोदी को हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के जीवन के प्रति पूरी श्रद्धा है, और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं, और उसी का परिणाम है कि आज विश्व में हर क्षेत्र में, देखिए मेरे टाइम टेबल में यूके में ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का कार्यक्रम करके मुझे जाना था। ये भारत का गर्व है कि स्वयं प्रिंस चार्ल्स खुद भारत आए थे, क्योंकि पिछली बार जब कॉमनवेल्थ समिट हुआ माल्टा में मैं नहीं जा पाया था, इस बार स्वयं प्रिंस चार्ल्स आए थे सिर्फ मुझे व्यक्तिगत निमंत्रण देने के लिए। इस बार आप जरूर आइए, इतना ही नहीं क्वीन ने स्वयं ने मुझे पर्सनल चिट्ठी लिखी कि इस बार तो आपको रहना ही है। ये मोदी का विषय नहीं है, ये भारत का प्रोफाइल है जिसके कारण ये संभव हुआ है। एक समय था जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चर्चा होती थी तो ज्यादातर पश्चिम के देशों की चर्चा होती थी, भारत की कोई चर्चा नहीं करता था। लेकिन जब यमन में 5,000-6,000 लोग फंसे थे, उनको बाहर निकाला, तो दुनिया के कई देशों ने भारत को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने नागरिकों को निकालते हैं, हमारे लोगों को भी यमन से निकालिए, और दुनिया के 2,000 नागरिकों को बाहर निकाल करके हमने उनके यहां पहुंचाने का काम किया। म्यांमार में रोहिंग्या की समस्या हुई, दुनिया ने उस प्रश्न को ह्यूमन राइट जितना फलाना लेकर के जिसको जो अपनी पोजीशन लेनी थी ले ली, हम वहां पर नहीं अटके। रोहिंग्या लोग जो बांग्लादेश वापस गए थे, हमने कहा बांग्लादेश हमारा एक मित्र देश है, हमने स्टीमर भर भर करके वहां चावल लेकर के पहुंचे, जो रोहिंग्या वहां आए हैं वो भूखे नहीं मरने चाहिए, मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। और म्यांमार के अंदर रखैन स्टेट है जहां पर ये लोगों को मुसीबत थी, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, भारत ने म्यांमार सरकार के साथ समझौता किया कि हम रखैन प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए भारत जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है हम करेंगे। नेपाल के अंदर भूकंप आया, भारत सबसे पहला देश था कि तुरंत नेपाल पहुंचना और नेपाल के सुख दुख की चिंता करना। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार। और तब मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। और आज इस बात को आप सीख सकते हैं, और इसी के कारण
और आज विश्व जिस अवस्था में पहुंच रहा है, भारत अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चिंता करता है तो भारत इंटरनेशनल सोलर आइलैंड्स का सॉल्यूशन लेकर के आया है। दुनिया टेररिज्म से परेशान है तो भारत मानवतावादी शक्तियों को एक कर करके डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करने वाले लोगों को एक होकर के मानवता के खिलाफ लड़ाई है। ये किसी एक देश, एक जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़ करके नहीं, ये मानवता के खिलाफ लड़ाई है। सभी मानवतावादी शक्तियां एक होनी चाहिए और भारत ने इसको लीड किया है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनको उनके हक मिलने चाहिए, इसका प्रवक्ता आज भारत बना हुआ है। तो भारत ने अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति निभाने का प्रयास किया है और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज भारत ने अपनी जगह बना ली है हर इंटरनेशनल फोरम में। आज भारत एजेंडा सेट करता है, G20 समिट के अंदर ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इनिशिएटिव भारत ने लिया। आज G20 समूह के देश अपनी बैंकों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए भारत के साथ समझौता कर रहे हैं और दुनिया के देशों के साथ भी समझौता कर रहे हैं। तो भारत आज एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है। भारत अपनी अहमियत, भारत अपना प्रोफाइल दुनिया में एक नए विश्वास के साथ पैदा कर पा रहा है। बिल्कुल, आपने जो आंख मिलाकर बात करने की बात की और एजेंडा सेट करने की बात की, आई थिंक ये इट वेरी क्लियरली टेल्स अस वेयर इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स, वेयर वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स। एक सवाल है, बहुत कम वक्त हमारे पास है तो बहुत से सवाल लेना चाहते हैं, बहुत से सवाल आए हैं, पर एक सवाल जो पहले से वेटिंग पर है अनुश्री घिसाद जी का, कृपया अपना सवाल पूछें। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी, आपने भारत के हित में कई अनोखे कदम उठाए हैं और इसके नतीजे हमने सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे हैं। बावजूद इसके आज देश में ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने में जुटी हुई है, तो क्या ऐसी गतिविधियों के चलते हुए आप कभी डगमगाते नहीं? देखिए, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तप करके डेमोक्रेसी पनपती है और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मेरी चिंता आलोचना नहीं है, दुर्भाग्य ये है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करने पड़ते हैं, हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ती है। अब आज ऐसी आपाधापी का समय है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। अच्छा, हर एक को इतनी तेजी है कि भाई 24/7 मैं आगे निकलूं, ब्रेकिंग न्यूज मैं दूं या वो दें, ये आपाधापी का युग है। और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है, और लोकतंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है।
और इसलिए एक तंदुरुस्त लोकतंत्र के लिए क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए और एलिगेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस मूलभूत तत्व को मैं जानता हूं और मानता हूं, इसलिए मैं, मुझे बराबर याद है, मैं तो सरकार में मुझे कोई अगर अच्छी खबर की जानकारी देता है तो मेरा सवाल रहता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में, ये बताओ इसमें वो कौन सी कमियां हैं हमारी, जरा वो दिखाओ पहले, मैं पूछता हूँ सामने से, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है भाई, हम सब इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, कोई है जो बताता है? अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म को का स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे पर आरोप यह है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता आप बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, यह तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है, आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। पर और इसलिए कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिटिसिज्म आप उसको महत्व देंगे और किसको नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता कि मैं इस क्रिटिसिज्म को अच्छा मानूंगा, इस क्रिटिसिज्म, जैसे अभी ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मुझे और आपको दोनों को लगता होगा यार बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई कहेगा यार मोदी जी बंद करे तो अच्छा कहता है, कोई ये भी कह सकता है कि देखो यार ये मोदी जी ने आज पता नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं कहीं पर, तो जाकर के उन्होंने स्टेज मैनेज शो कर लिया अपना कर रहे हैं, उसमें से भी मैं कोशिश करूंगा, या आज के मेरे जो जवाब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कोई उसमें से निकालेगा, तो मैं जरूर सोचूंगा हाँ यार ये शब्द मेरे से मुँह से न निकला होता तो अच्छा होता, मैं सोचूंगा। और मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ ना साहब, मुझे बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत लोगों ने मुझे थपथपा थपा करके कहा मोदी ये नहीं करो, ये करो, ये करो, नहीं ये करो, ऐसा करते करते मुझे लाया है, तो ये सब उन्होंने जो मेहनत की है उसको मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। यस मोदी जी, हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने कहा भी, घड़ी की तरफ देखा जी, आपने घड़ी की तरफ देखा और मुझे लगा कि कार्यक्रम को की अंत की तरफ बढ़ना चाहिए। एक सवाल, जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5,000-10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं, आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए, अगर
मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है, दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी, अंत में वो चार पंक्तियां पढ़ूंगा जिससे मैंने यहां शुरू किया था आज, जो मैंने आज ही लिखी थी, और ये भारत के लिए कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो, निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। देखिए हमारे यहां राजा रंतिदेव ने कहा है, और बहुत ही अच्छा कहा है राजा रंतिदेव ने, और एक राजघराने से निकली हुई बात है, उन्होंने कहा है, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, न मुझे राज्य की कामना है न मुझे मोक्ष की कामना है, न काम ये राज्यम न मोक्षम न मुझे पुनर्भवन जन्म की कामना है, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, न काम ये दुख पुनर्भवम, काम ये दुख तप्त नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, अगर मेरे हृदय में कामना है तो मुझे उन दुखी दरिद्रियों की सेवा करना, यही मेरी कामना है, उसी कामना को लेकर के हम चले। मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रसन्न जी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और एक बहुत ही सरल लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बी अपस्टैंडिंग फॉर द राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।